गुजरात से हैं। शबाना जी, स्वागत है आपका। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी जी मुझे नींद नहीं आती, खाना कुछ भी खाया नहीं जाता, बेचैनी ऐसी रहती है जैसे घर से बाहर निकल जाए, क्या पता क्या हो गया है। जैसे मुंह का पानी लेती हूँ, कोई भी जैसे जूस लेती हूँ वो भी सामने ग्लास आता है तो वो ले नहीं पाती, और इतनी बेचैनी है कि घर से बाहर निकल जाऊं, नींद नहीं आती, रात पड़ती तो काली रात निकल जाए। एज कितनी है आपकी मैम? उम्र कितनी है? जी 50 होगी शायद। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, एक नुस्खा बना लीजिए और वो इस्तेमाल करें, महीना दो महीना तो ज़रूर करें। सौंफ, आप जानती हैं सौंफ तो? धनिया, मेथी, आंवला। सौंफ, धनिया, मेथी का दाना और आंवला, ये 100-100 ग्राम खरीद लें और इसको पाउडर बना लें, यानी चूर्ण बना लें। और एक चम्मच, ये छोटा चाय का चम्मच जिसे टी स्पून कहते हैं, ये भर कर खाएं। और एक आता है नमक जैतून, नमक जैतून ये आप लें और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला लें और इस पानी से ये रोज़ाना खाना शुरू करें, कम से कम एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। आपकी तमाम कैफियत और हालत का अच्छा होना मुमकिन है। मनहर सिंह हैं अगले कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। हकीम साहब को नमस्कार। स्वागत है आपका। जय हिंद। बताइए मनहर साहब, क्या सेवा की जाए? सर मेरे को लेटरिंग 24 घंटे में होती है और प्रेशर नहीं बनता ठीक है, और पेट में जलन भी होती है। ठीक है, ठीक है। और देखिए, पेट का एक निज़ाम है, सिस्टम है, जब उस वो अवरुद्ध होता है तो हमें जलन हो, दर्द हो, लैट्रिन में भी बाधा होती है। तो इस सिस्टम को अच्छा करने के लिए पूरे एब्डोमेन का, पूरे पेट का, यानी एसिडिटी हो, कब्ज हो, बवासीर हो, लैट्रिन नहीं होती हो, इन्फेक्शन हो, लीवर ठीक नहीं हो, किडनी ठीक नहीं हो, वर्म हो, ऐसे सब रोगों के लिए एक नुस्खा बहुत बहुत ही कामयाब और प्रचलित है। ये आपके किचन में 6 चीज़ें हैं, लिख लीजिए। सौंफ, सभी जानते हैं सौंफ, सौंठ, ये सब 100-100 ग्राम लें, जो मैं बोलता रहूँ वो 100-100 ग्राम लें। सौंफ और सौंठ, जीरा और अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, ये सब 100-100 ग्राम ले लें। एक बार और बोल देता हूँ, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना 100-100 ग्राम खरीद लें, इनको पाउडर बना के यानी चूर्ण बना के रख लें। अब एक आता है नमक जैतून, एक चुटकी लें नमक जैतून। अच्छा, ये नकली भी मिल जाता है, असली लें। नमक जैतून एक चुटकी लें और पानी में मिला लें, बस एक चुटकी काफ़ी है। ये दुनिया का विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता। ये पानी में मिला लें और इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर खा लें, सुबह नाश्ते से पहले या बाद में, कभी भी आपका मन जब करे, और ऐसी रात को खाने से पहले या बाद में, बस ये आपके पूरे सिस्टम का की जमानत है। बस 2 बार खाया करें, आपको फायदा मुमकिन है। मलकित सिंह जी हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्ते हकीम साहब। जी, मिल्कियत सिंह है आपका नाम? मलकीत सिंह है जी। मलकीत, मलकीत सिंह। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी बताइए। सर मुझे ना एक एक तो ये सहन शक्ति नहीं है जी। हेलो जी 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 सहन शक्ति सहन शक्ति नहीं है, और एक जी ये सहन शक्ति ना होने के कारण दिमाग काम नहीं करता जी। दिमाग काम नहीं करता है। आपकी उम्र कितनी है सर?
उम्र है जी मेरी 40 साल, सहन शक्ति नहीं है, दिमाग काम नहीं करता है, नींद नहीं आती। एक मेरी भाभी के लिए सवाल है कि 38 साल उनकी उम्र है, उनके घुटने टक टक की आवाज करते हैं जब वो चलती हैं। ठीक ठीक है सर। और सहन शक्ति वैसे अपनी बर्दाश्त पर निर्भर है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। और जितना बर्दाश्त वाला आदमी है, मेरा अपना अनुभव है, जितनी हमारे अंदर बर्दाश्त है हम उतनी ही तरक्की कर सकते हैं, जितनी सहन शक्ति है हम उतनी ही तरक्की कर सकते हैं, चाहे पैसा कमाने में, चाहे भगवान को मनाने में, चाहे भगवान के करीब जाने में, चाहे अपने रिश्तेदारों के करीब जाने में। जितनी सहन आप करेंगे उतना ही लोगों के आप प्यारे हो जाएंगे। और गुस्से के वक्त हमारी अकल का इम्तहान होता है, बस उस वक्त पी जाना चाहिए गुस्सा कि मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, और फौरी तौर पर गुस्सा काबू करने के लिए एक गिलास ठंडा पानी काफ़ी होता है। और इसको रेगुलर करने के लिए, सहन शक्ति के लिए, आंवला और धनिया 100-100 ग्राम ले लें, आंवला और धनिया, और इसको खूब बारीक पाउडर बना के रखें। रोज़ाना रात को एक चम्मच भर के ये पाउडर खाएं, और एक चुटकी असली नमक जैतून पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें। ये आपके लिए, एक चुटकी नमक जैतून असली पानी में मिला कर रखें, और ये धनिया और आंवले का पाउडर एक चम्मच भर के रात को खा के सोया करें। खूब अच्छी नींद भी आएगी, सुकून बहुत मिलेगा, और वो जो सहन शक्ति को कम कर देता है एक केमिकल जो हमारे दिमाग में बनता है, ये उस केमिकल को बनने से रोक देता है। और दूसरा सवाल आपकी भाभी का, वो बड़ी बात है कि आप अपनी इतनी बड़ी भाभी का ख्याल कर रहे हैं और उनके बारे में भी सवाल कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे देवर होते हैं जिनके अपनी भाभी के लिए इतने अच्छे तेवर होते हैं। तो गौंद सिया आता है एक, ये भी असली नहीं, ये भी नकली बहुत मिलता है, काला गौंद या गौंद सिया कहते हैं इसे। ये 15-16 रुपए का आ जाता है एक ग्राम। आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खिलाइए, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद खिलाइए। सौंफ पीस के रख लें, आपकी भाभी सौंफ को पाउडर बना के रख लें। एक चम्मच सौंफ का पाउडर में आधा ग्राम गौंद सिया मिलाकर नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी या दूध से 2 बार दिया करें। आपकी भाभी की भी तंदुरुस्ती बरकरार रहना मुमकिन है। जमशेदपुर से हैं जय कुमार जी, स्वागत है आपका। जी मेरा यूरिक एसिड जो है वो थोड़ा बढ़ा हुआ है, 6.3 है, मुझे क्या करना चाहिए? एज कितनी है आपकी? अंगूठे में दर्द रहता है। उम्र बता दीजिए। जी मेरी 59 है। अलसी को सब जानते हैं, अलसी खरीदें, 200-300 ग्राम खरीद लें अलसी, क्योंकि आपको 2-3 महीने खाना है इसका। और उसको साफ कर लें, कंकर भी बहुत मिलते होते हैं, बीन लें उसे, कंकरों को साफ कर लें और हल्का सा भून कर अलसी को और पाउडर बना के रख लें। और एक आता है गौंद सियाह, काला गौंद, गौंद सियाह कहते हैं, असली लेना, ये नकली बहुत मिलता है। ये आधा ग्राम गौंद सियाह और एक चम्मच सौंफ का पाउडर में मिलाकर आप इसे दिन में 2 बार खाने के बाद पानी या दूध से ले सकते हैं, खाने के बाद लेना बेहतर है। गौंद सियाह असली लेना अनिवार्य है। आप ये अगर 2 टाइम खाएंगे, और खट्टी चीज़ें बंद कर दें, खट्टी कोई भी चीज़ हो, चाहे छाछ हो, नींबू हो, अचार हो, ये सब चीज़ें बंद कर दें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नीता जी हैं अगली कॉलर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मुझे ना नेक में प्रॉब्लम है, किसी डॉक्टर ने बोला है कि मनके जुड़ गए हैं, एक डॉक्टर ने बोला है कि मनके जुड़ गए हैं। ठीक है। हेलो, नेक में प्रॉब्लम है, गर्दन में है ना? हाँ जी, मेरी नेक ना लेफ्ट साइड की मूवमेंट कम है उसकी। ठीक है, लेफ्ट साइड कम मुड़ती है। हाँ जी। ठीक है मैम जी। हाँ देखिए, ये
अच्छी होने के अभी गुंजाइश है। तो मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप वो करिए मेरे साथ साथ। और ये एक्सरसाइज आपको रोज़ाना 3-3 मिनट करनी है, ऐसे बैठें और ये कान जो है अपने मोंढे से लगाने की कोशिश करें, चाहे लगे ना लगे लेकिन आप लगाएं इसको, जितना भी आप मूवमेंट करते हैं। देखिए मेरा तो लग जाता है, आप भी अगर कोशिश करेंगी तो आपका लग सकता है। एक तो ये एक्सरसाइज और एक ये, इस हाथ से ये छोटी पकड़, देखिए ये मेरी यहाँ तक आ जाती है, मोंढे तक, ये ऐसे भी 3 मिनट करना है, दोनों एक्सरसाइज 3-3 मिनट। देखिए अगर एक साथ नहीं कर सकता कोई तो एक एक मिनट करके 3 बार में कर लें, 6 बार में 6 मिनट की एक्सरसाइज करें। और एक आता है गौंद सिया, इसे काला गौंद कहते हैं लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी। आधा ग्राम गौंद सिया नाश्ते के बाद दूध से या पानी से ले लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन है। दिल्ली से ऋतु जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। स्वागत आपका बहुत बहुत, जय हिंद। सर एक बच्चा है 13 साल का, उसका कान बहता है 1 साल से। बच्चा को जो कान बहता है तो उसको माजून आर केयर कम से कम 5-6 महीने खिलाएं, 1 चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ या चाय के साथ खिलाएं, तो बच्चे का फायदा होना मुमकिन है।